और यही ठेकाकरण की नीति को भारत की सेना की लड़ाकू इकाइयों के अंदर भी लागू कर देने की नीति है अग्निपथ योजना। हम ऐसा नहीं दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि तमाम सरकारी अस्पताल है, चाहे उसके अंदर डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके हाउसकीपिंग सब कुछ ठेके पर है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों के अंदर जितना स्टाफ है दफ्तर वो ठेके पर है। दिल्ली की अदालतों में जितने गार्ड्स है वो ठेके पर है। बहुत सारी अदालतों में हाउसकीपिंग स्टाफ भी ठेके पर है और उनको क्या तनख्वाह मिल रही है। बुलडोजर के राज के द्वारा कानून के शासन को बढ़ाए जाने की जो विवाद चल रही है, ये कानून के शासन के ऊपर बुलडोजर राज को बुलडोज किया जाना ये दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है। शिकस्त देंगे आपके बुलडोजर राज को हम शिकस्त देंगे। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने असम में भी देखा कि किस तरह से जब गरीब लोग, जब वो लोग जो आज भारत का संविधान, जो भारत की विविधता में एकता की, भारत की विविधता की रक्षा करने की सुनिश्चितता करता है और CAA के द्वारा, NRC के द्वारा जिस तरह से इस विविधता के ऊपर हमला किया गया था और दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू होकर भारत के विभिन्न इलाकों के अंदर, भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर अनेकों अनेक शाहीन बाग बने थे और वे शाहीन बाग थे जब भारत की औरतें, विशेषकर भारत की मुसलमान औरतें, भारत के न्याय पसंद लोग, भारत के संविधान की मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग इस बात के लिए निकले थे कि भारत एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह की खुशबुओं वाले फूल खिलते हैं और इन तरह तरह की खुशबुओं वाले फूलों को रौंदने की जो मुहिम ये हिंदुत्व की सरकार चलाना चाहती है, भारत की जनता को ये मंजूर नहीं है और इसको ना मंजूर करने के लिए ही वो अनेकों अनेकों दिन सड़कों पर निकल कर आए थे। मगर 10 जून के दिन, 10 जून को जिस तरह से इलाहाबाद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद शाम के समय ADG इलाहाबाद ने जिस तरह का बयान दिया कि जो घटना हुई है 10 जून को उसमें जिन भी इलाहाबाद के अंदर CAA विरोधी प्रदर्शनकारी थे, जिसमें उन्होंने उन तमाम लोगों का नाम लिया जो इस समय सक्रिय थे और साथ में अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन AIKMS के अखिल भारतीय महासचिव कॉमरेड आशीष मित्तल को भी उन्होंने नामजद किया कि उनका रोल है आज के हिंसा में। वो भूल गए इस बात को कहना कि AIKMS ये वो संगठन है जो भारत के मजदूरों, किसानों, भारत के नौजवानों के बेहतर जीवन, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, वो एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत थे जिसमें मजदूरों को जो वो मेहनत से पैदा करेंगे उसके ऊपर उनका हक होगा, जिसमें किसानों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, जिसमें नौजवानों को बिना काम के नहीं रहना पड़ेगा, बिना किसी धर्म और जाति के भेद के एक ऐसे सुंदर भारत के निर्माण में लगे हुए AIKMS और उसके महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल को इस तरह के फर्जी मुकदमे में योगी सरकार के द्वारा जो फंसाया गया, आज के धरने से हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये केस उनके ऊपर से अविलंब वापस होना चाहिए। साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि अटाला घटना के लिए जो CAA प्रदर्शनकारियों को, उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उनको जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं यहाँ से। साथ साथ एक बड़ा जोर है, बहुत भारत के तीनों सेनाओं के मुख्यापति, तमाम सरकार निकल के आ गई है कि अग्निपथ योजना ऐसा हो गया है कि अग्निपथ योजना
समस्या का कोई हल नहीं। जबकि सच ये है कि अग्निपथ योजना जो भारत के नौकरियों में जो ठेकेदारीकरण की प्रथा है, और ये 1990 से ही विशेषकर और तेज हुई थी जब नई आर्थिक नीतियां, जब एलपीजी की नीतियां, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह साहब जो है उस समय वित्त मंत्री थे उनके नेतृत्व में जो ये एलपीजी की नीतियां चलाई गई और जिसका असर है कि भारत के अंदर श्रम के अवमूल्यन की परंपरा को और ठेका हर चीज के अंदर, आज हम राजधानी दिल्ली के अंदर है, हम राजधानी दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि तमाम सरकारी अस्पताल है, चाहे उसके अंदर डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके हाउसकीपिंग सब कुछ ठेके पर है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों के अंदर जितना स्टाफ है वो ठेके पर है, दिल्ली की अदालतों में जितने गार्ड्स है वो ठेके पर है, बहुत सारी अदालतों में हाउसकीपिंग स्टाफ भी ठेके पर है और उनको क्या तनख्वाह मिल रही है, मुश्किल से बहुत सारी जगहों पर 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए जो सरकार कहती है उसकी न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और यही ठेकाकरण की नीति को भारत की सेना की लड़ाकू इकाइयों के अंदर भी लागू कर देने की नीति है अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना के लिए बात कहा जा रहा है कि भाई 4 साल के बाद तमाम कॉर्पोरेट हाउसेज उनको मौका देंगे, तमाम CISF में उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। अरे अगर वो इतनी अच्छी योजना है तो भारत की आर्मी और भारत के तमाम उसमें से जो है क्यों नहीं उनको उन्हीं को एब्सॉर्ब क्यों नहीं किया जा रहा है। तो साथियों हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो ठेकाकरण की नीति है और आज जो ये घृणा और बुलडोजर के राज के द्वारा कानून के शासन को दहाए जाने की जो रिवाज चल रही है, ये कानून के शासन के ऊपर बुलडोजर राज को बुलडोज किया जाना ये दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है। और इस तरह के कामों के द्वारा हम इन नीतियों का लगातार विरोध करते रहेंगे और भारत के अंदर कानून के शासन के सर्वोपरि होने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों।